गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर चहल। आज मैं आपको हार्ड जेलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के बीच में जो सभी डिफरेंसेस हैं वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो फर्स्टली मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे होते हैं हमारे हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स और सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स। ये मैंने कैप्सूल्स दिए हैं, दिस वन, दिस वन टू, और ये अलग है हमारे जो कि हार्ड जेलेटिन कैप्सूल हैं, ये हमारे होंगे सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स। ओके, तो अब मैं इनको एक्सप्लेन करती हूँ, क्लियरली विजिबल है ना आपको। अब इसमें क्या है बेसिकली, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो हमारे हार्ड जेलेटिन कैप्सूल हैं इसको हम ओपन भी कर सकते हैं, राइट। अगर आप इसको एक्चुअली टच कर देखते हो प्लास्टिक शेप में दिखेगा आपको, मीन्स प्लास्टिक टच आएगा इसमें, और इवन हार्ड होते हैं, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल से हार्ड रहेंगे। जो हमारे सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स हैं वो हमारे सॉफ्ट रहते हैं, जैसे ये एग्जांपल है, या फिर ये जो आपके विटामिन्स वाले कैप्सूल रहेंगे सभी वो सॉफ्ट रहते हैं। अब जो हमारा हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है इसको आप ओपन भी कर सकते हो, जैसे कि मैं ओपन करती हूँ, इसमें आपका कंटेंट आएगा बाहर, ये ग्रेन्यूल्स हैं इसमें। इसमें क्या है, टू पार्ट रहेंगे हमारे जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है, इसमें फर्स्ट बॉडी है, सेकंड वन विल बी कैप। जो इसमें बॉडी है उसका साइज लार्ज रहेगा, अगर इस हम कैप के साथ कंपैरिजन करेंगे, कैप का साइज स्मॉल रहेगा और जो बॉडी का साइज है वो लार्ज रहेगा, राइट। इसमें हम देखो ग्रेन्यूल्स भी रख सकते हैं और इवन पाउडर फॉर्म में भी आता है, ये हमारा मटीरियल है ग्रेन्यूलर मटीरियल, क्योंकि इसमें क्या है ग्रेन्यूल्स हैं। देन ये हो गया हमारा, इसमें ग्रेन्यूल्स हैं, इसमें हम जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में हम पाउडर भी फिल कर सकते हैं और इवन यू कैन से ग्रेन्यूल्स भी हम फिल कर सकते हैं, राइट। अब सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के केस में क्या होगा, जैसे हार्ड जेलेटिन में हमारे टू पार्ट्स थे, लेकिन सॉफ्ट जेलेटिन में हमारा सिंगल पार्ट रहेगा। इसमें भी आप देख सकते हो और इसमें भी आप देख सकते हो, राइट। तो अब मैं इसको कट करती हूँ, क्योंकि इसमें हमें ऊपर वाला पार्ट कट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम डिटैच कर सकते थे, लेकिन इस केस में क्या होगा, सॉफ्ट जेलेटिन में हमें पीस कट करना पड़ेगा ऊपर पार्ट, और इसमें से क्या होगा, हमारी लिक्विड ड्रॉप निकलेंगी, यू कैन सी, राइट। ये हमारी ड्रॉप निकल रही है इसमें से, मीन्स ये क्या है, हमारा लिक्विड वाला कंटेंट है इसमें। जो हमारे सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल हैं इसमें क्या क्या आता है, हमारा लिक्विड भी भर सकते हैं हम जो सॉफ्ट जेलेटिन में, या फिर सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म भी हमारी फिल कर सकते हैं सॉफ्ट जेलेटिन के केस में, राइट। जो हमारे इसमें बॉडी कैप का कोई इशू नहीं है। एक चीज और, जो हमारे ये कैप्सूल्स हैं हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स, इस केस में क्या होता है, हमारा जो शेप है इनमें, हर एक आप कोई भी कैप्सूल देखोगे सबकी शेप ऐसी रहती है मैक्सिमम जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल रहेंगे, लेकिन इसमें आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं हमारी, ये विटामिन कैप्सूल है, तो इसमें क्या रहेगा, हमारा शेप्स अलग अलग रहेंगी, कोई ओवल शेप में है, कोई राउंड शेप में है, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट शेप्स रहेंगी, तो इन दोनों में हमारा ये डिफरेंस रहता है। आज के में इतना ही है, आज की वीडियो में हमारे जो डिफरेंसेस थे कितने रहेंगे टोटल, बॉडी एंड कैप, हार्ड जेलेटिन में टू टाइप रहेंगे, बॉडी और कैप रहेगा, और इसमें हम ग्रेन्यूल्स या फिर पाउडर फॉर्म फिल कर सकते हैं डोसेज फॉर्म की, और इसमें क्या रहेगा, शेप सिमिलर रहती है हर एक कैप्सूल की, साइज में डिफरेंट हो सकता है, जैसे सबसे लार्ज कैप्सूल का साइज होगा जो हार्ड जेलेटिन का वो 000 होता है, जो सबसे स्मॉल रहेगा वो 5 कैप्सूल का साइज रहेगा, ठीक है, जो सबसे लार्ज है वो 000, फिर उससे कम साइज जो रहेगा वो रहेगा 00, देन 0, देन 1, 2, 3, 4, 5, ओके। और इसमें पाउडर ग्रेन्यूल्स फिल कर सकते हैं, और जो सॉफ्ट जेलेटिन रहेगा इसमें हम लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फिल करते हैं, राइट। ओके, ये हमारे आप देख सकते हो डोसेज फॉर्म हमारी। ओके, थैंक यू।